हेलो एवरीबडी, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा प्यारी बातें करने वाले हैं। आज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का टाइटल ही होने वाला है एपिसोड नंबर 2, लाइफ विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे व्लॉग्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर बहुत सारे दोस्तों को इंटरेस्ट है जो इस चीज़ से डील कर रहे हैं। सो ये वीडियो खास उन दोस्तों के लिए है। मैंने पिछले एपिसोड में मुझे लगता है कि बात की थी, डायग्नोज की होगी, ट्रीटमेंट की होगी, और कैसे कौन कौन से टेस्ट किए गए थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। इसमें हम बात करने वाले हैं एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि डायग्नोज हुआ था नवंबर 2019 में। सो ऑलमोस्ट 14 मंथ्स हो चुके हैं, एंड अब मेरी कंडीशन तब से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, जो भी दोस्त मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो पे भी आ रहे हैं जब मैं डायग्नोज हुआ था और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बनाने का पर्पज़ बस यही था कि अपने जैसे दोस्तों के साथ बातचीत हो, ताकि पता चले कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसा और भी कोई है। यू नो, जब आप किसी को सुनते हैं तो बहुत कंफर्टिंग लगता है। सो अब जब मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, अब बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भी आते हैं जहाँ पे आप रो रहे होते हैं। सो आप पहले तो उसको सुन के मैं भी रोना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। आपको जब पेन में देखती हूँ, मुझे सारा कुछ अपना भी याद आ जाता है, एंड मैं भी रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी सिचुएशन कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि एवरी डे अप एंड डाउन। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप परफेक्टली फ़ाइन हो जाएंगे। परफेक्टली फ़ाइन है, आप प्लान नहीं कर सकते कि आने वाले मंडे को मैं ये वाली चीज़ कर लूँगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मंडे को आपको कैसा फील होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको समझाया नहीं जाता है दूसरे बंदे को, स्पेशली अपने पति को, या घर में अगर आपके कोई रह रहा है उसको कैसे समझाएं कि आप कैसे फील करें, क्योंकि आप देखने में तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। सो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना। सो मैं आपको समझ पाती हूँ, और मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी रही हूँ वो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपको भी पता चले कि आप भी बेटर हो सकते हैं। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की चीज़ है, एंड डिप्रेशन उससे भी ज़्यादा एंड ही है वो। सो उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि ये वाला सिम्टम भी उसके साथ कनेक्ट करता है। मैनी फिजिकल सिम्टम्स हैं, पर मेंटल हेल्थ पे भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन रूमेटॉइड को कॉज करती है वही कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन से भी लिंक्ड है। अपनी मेंटल हेल्थ पे अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है रूमेटॉइड के साथ, क्योंकि वो ख़राब हो सकती है। अगर आपको कंसर्न्स है एंग्जाइटी से रिलेटेड या डिप्रेशन से, डिप्रेशन एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा सीरियस किस्म की चीज़ है, पर अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा सिम्टम है, या कोई भी ऐसे सिम्टम है जो लेटर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के साथ ज़रूर से बात करें। डॉक्टर के साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हैं जो जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की है, जो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आप लोगों हर एक बंदे की सलाह मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। मेरी जो डॉक्टर है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुनती हैं, और उनको पता है कि ये जो डिज़ीज़ है ये बंदे का मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकती है, तो वो बहुत आराम से सुनती हैं और मुझे बताती हैं कि तू ये करो, मेडिटेशन करो। वो ऐसी अलतू फालतू लाइफ स्टाइल वाली टिप्स भी मुझे देती हैं, ताकि सिर्फ दवाइयों की बात नहीं वो करती हैं। आई होप कि आपका डॉक्टर भी ऐसा हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको चीज़ें ये एक्सप्लेन कर सके, खुल के बातचीत करें उनके साथ। क्योंकि अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो आपकी दोनों कंडीशन वर्स हो सकती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी और आरए भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप बहुत स्ट्रेस होते हैं तो आपकी दर्दें, आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो दोनों का एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रिश्ता है, दोनों का अच्छा होना एक दूसरे के बेटर होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन या स्ट्रेस
हार्ड कर सकता है आर्य को ट्रीट करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि जो रूमेटॉइड की पेन है वो इतनी ज़्यादा अजीब है और इतने ज़्यादा हिस्सों में होती है एक ही समय पे, वो आपको स्ट्रेस देती है। जो स्ट्रेस है वो एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है जो आपके मूड को चेंज करता है या आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, और स्ट्रेस की वजह से आपको अच्छी नींद नहीं आती है। और अगर अच्छी नींद नहीं आती है रूमेटॉइड और वर्स होता है, क्योंकि रूमेटॉइड में आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अच्छा सोएंगे नहीं तो आपका ये सेल्फ हीलिंग का टाइम कट होता है और आप ज़्यादा परेशान होते हैं। जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है डिप्रेस होने के। एंड अगर आप क्या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है और आपका पेन बढ़ेगा और पेन की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा, इन दोनों के ज़्यादा होने से हार्ट डिजीजेज होने का भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी आपको कैसा पता चलेगा कि आप एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से डील कर रहे हैं? आपके ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, रोते हैं बिना मतलब से, बहुत ज़्यादा बुरा रोते हैं, सैड हैं एंड गिल्टी है। मुझे गिल्टी हो जाती थी कि मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, घर मेरा मैनेज नहीं है, गिल्टी फील करते हैं। और आप ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप किसके साथ रिलेट करें, आपको कोई भी समझ नहीं रहा है, आप अकेले हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास हैं इस चक्कर में। आप सबसे ज़्यादा स्केरी है कि आप चाहते हैं कि आपकी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, आप मरना चाहते हैं और आप सुसाइड करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे किसी भी सिम्टम से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की हेल्प लें, काउंसलिंग कराएं, कंसल्ट करें, बातचीत करें डॉक्टर्स के साथ। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको नहीं सुन रहा है, हेल्प लें, क्योंकि हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आप अपनी सोच के ये जाले में गुम हो जाते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। हेल्प लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने डॉक्टर के साथ या फिर अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ खुल के बातचीत करें, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, जो भी आपकी मन में शंकाएं हैं, जो भी आप सोचते हैं, हर चीज़ बात अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि जब आप निकालते हैं तो माइंड डंप हो जाता है और आप बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे आपके जैसे लोग हों। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, आपको हर तरफ ग्रुप मिल जाएंगे, आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो आपके साथ आपकी जैसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे एंड कहीं पे भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपके घर के पास ऐसी कोई कम्युनिटी है रूमेटॉइड पेशेंट्स की, आप उन लोगों से बातचीत करें जिनके सिम्टम्स बिल्कुल आपके जैसे हैं, क्योंकि उनके साथ बात करना इतना ज़्यादा कंफर्टिंग है, इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है आपको कि आप अकेले नहीं हैं। जो आपके सिम्टम्स हैं वो किसी और के साथ भी हो रहा है, बहुत रिलीफ मिलता है। अर्ली मेरे दिनों में जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मेरी स्किन पे कुछ हो रहा है, एक बार क्या हुआ कि रात को मैं सोफे पे बैठी थी, अचानक मुझे फील हुआ कि मेरी स्किन पे लंप है। मैंने अपने हैंड पे फील किया, लंप था, आर्म पे लंप हो गया, जहाँ पे भी मैं हाथ लगा रही थी हर जगह पे बड़े बड़े लंप्स हो रहे थे, जैसे बहुत खतरनाक मच्छर ने काट लिया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो मेरी टांगों पे हो गए, लेग्स पे हो गए। आई थिंक विद इन 4-5 घंटे मेरी सारी बॉडी उनके साथ भर गई। मुझे नहीं लगता मैंने किसी व्लॉग में इसको डिस्कस किया है, क्योंकि मैं रूमेटॉइड से रिलेटेड चीज़ें नहीं डिस्कस कर रही हूँ। पूरी बॉडी भर गई और मैं इतना ज़्यादा डर गई किससे बात करूँ, एमरजेंसी के लिए जाऊँ या क्या हो रहा है, ये मेरे चेहरे पे भी होने शुरू हो गए। मैंने उन सारे की पिक्चर्स क्लिक की और राउंड राउंड उन सर्कल्स को कर दिया और वैसे ग्रुप में शेयर कर दिया कि मेरी स्किन पे ऐसा हो रहा है, कि आप भी आपकी स्किन पे भी किसी के ऐसा है। उस ग्रुप में मुझे लगता है कि more than 100,000 people हैं। इतने सारे messages, इतनी सारी pictures आ गई मुझे कि हाँ मुझे भी ये है, मैंने ये किया, मैंने hot bath लिया, और फिर मुझे इतना comforting लगा कि यार अकेली नहीं हूँ मैं, और कितने सारे लोग help करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वो भी आप एक ही situation में हैं। ऐसा group join करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी mental health के लिए। मुझे बहुत relief feel हुआ, मैं रो रही थी कि क्या हो रहा है मेरी body के साथ, क्या ये कल तक और worse हो जाएगा, पर उन्होंने कितनी सारी मुझे help की, ये वाला ये चीज़ यूज़ करो, ये वाला एसेंशियल ऑयल करो। दो दिन में वो बेटर हो गया। मेरी रीसेंट विजिट में मैंने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस की वो बात, उसने कहा कि ऐसे हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना जिसमें आपके जैसे लोग हों, बहुत मदद मिलती है आपकी मेंटल हेल्थ को। अदरवाइज आप अपने दिमाग में गोले गोले बनाते रहते हैं चिंता के, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। चौथी चीज़ है कि एक्टिव रहें,
जितना रह सकते हैं अपने एक्टिव रहने के चक्कर में ओवरडू मत करें, क्योंकि हम वो बहुत आसानी से कर देते हैं। मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ, जैसे मैं अच्छा हूँ मैं डांस वांस करके अपने आप को इतना ज़्यादा थका लेती हूँ, फिर मेरे अगले कई दिन अजीब हो जाते हैं। सो रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर एक्टिव रहें, आप योगा करें, रूमेटॉइड फ्रेंडली एक्सरसाइजेस करें। जिस दिन मैं कोई ज़्यादा अजीब किस्म की एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, या वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, सो मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा। पहले मैं बहुत ज़्यादा जिम जाया करती थी, पर अब वो सिचुएशन नहीं है। सो जितना आपसे होता है उतना एक्टिव रहें। एंड यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं कि आप कैसे रूमेटॉइड फ्रेंडली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो करें। रूमेटॉइड में स्विमिंग बहुत अच्छी है, स्विमिंग से आप जल्दी टायर्ड नहीं होते हैं, तो स्विमिंग कर सकते हैं आप, वॉक पे जा सकते हैं, एंड मेडिटेट करें। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपके रूमेटॉइड के लिए। जब आप मेंटली अच्छी स्टेट में हैं तो आपके आरए के सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाते हैं। ये पावर है मेडिटेशन की। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस हैं, उनको लगाएं, टाइप करें गाइडेड मेडिटेशन, जितना भी आप समय स्पेंड करना चाहते हैं 10 मिनट्स करें, जो भी वो गाइडेड मेडिटेशन टीचर बोल रहा है उसको फॉलो करते जाएं, प्रैक्टिस करें एवरी डे। पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता है, बस थोड़ा शांत में वो समय स्पेंड करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। ज़रूर से ट्राई करें, ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी डॉक्टर हमेशा मुझे बोलती है कि मेडिटेट करो। और जब भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया मुझसे और नहीं हो रहा है, तो रेस्ट करें। रेस्ट करने में ऐसे मत सोचें, गिल्टी मत फील करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर को क्या चाहिए। मैं टायर्ड फील कर रही हूँ इस समय, मुझे रेस्ट चाहिए, सो इसके बाद मैं रेस्ट करने वाली हूँ। मुझे किसी को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। जब आपको रेस्ट की ज़रूरत है रेस्ट करें। आखिरी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी डाइट। अपनी डाइट का ख्याल रखें। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको रूमेटॉइड में हेल्प करते हैं। हम हमारे एपिसोड नंबर 3 में सप्लीमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे कि आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स खा सकते हैं जिससे मदद होगी और डाइट को हेल्दी रखें, ज्यादा जंक पे ध्यान नहीं दें। ओमेगा 3 रिच प्रोडक्ट्स खाएं। ओमेगा 3 बहुत ज्यादा अच्छा है रूमेटॉइड के लिए, मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस फील किया है उसके बाद। आप फिश खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, या ओमेगा के कैप्सूल खा सकते हैं, और आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब भी करा सकते हैं कि आपके लिए कौन से अच्छे होंगे। हरी सब्जियां खाएं, लीफी ग्रीन्स एंड फ्रूट्स खाएं। हेल्दी डाइट आपके सिम्टम्स को कंट्रोल रखेगी, उससे आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल होगी एंड आपका डिप्रेशन आपसे दूर रहेगा। लास्ट में आपको बताना चाहूंगी, अर्ली 2020 में मुझे बहुत 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 ज्यादा एंग्जाइटी अटैक्स हुए, एवरी डे हो रहे थे, बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग है। उसमें आपको क्या होता है कि आप ब्रीद नहीं कर सकते हैं, अजीब सा ब्रीद, हाई आपका लाइक सांस रुक जाती है, ऐसा फील होता है आपको, और रोने का मन करता है फुट फुट के रोने का, एंड डर लगना शुरू हो जाता। मुझे पता नहीं चलता था मुझे किस बात से डर लग रहा है, पर मुझे बहुत बहुत डर लगता था। पर उस सिचुएशन को मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा डील किया, आई डोंट नो कैसे। जब मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ और उनको मैं कह रही हूँ कि मेरे पास बैठ जाओ, मैनू आपकी ज़रूरत है, तो वो मुझे बहुत सारी लाइक काउंसलिंग कर रहे हैं मेरी। पता नहीं हस्बैंड को इतनी समझदारी कैसे आती है, पर वो अच्छी तरह डील किया उन्होंने मेरी एंग्जाइटी के साथ। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, मैंने 5-6 गल्ला बोलिया, मैं क्राई किया, मैंने आई कैन स्टिल क्राई, क्योंकि मैं साला बॉलीवुड की मूवी देखता हूँ, मुझे पता है किसकी नब्ज कहाँ पे पकड़नी है। ओके, वैसे तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा डराते हैं, पर उस सिचुएशन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैंने 5-6 गल्ला कहीं और मैं फिर अच्छा फील करना शुरू कर दिया। सो प्लीज़ किसी के साथ ज़रूर से बात करें अगर आपको डर लग रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर के साथ बात करें, फिर मेरे साथ बात करें। सो या बात करें, कन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, आई झूठ बोलना, उनकी बातों से फिर मैं बैक टू नॉर्मल हो जाती थी। अब तो रब की दया है कि काफ़ी समय हो गया मुझे कोई एंग्जाइटी फील नहीं हुई या कोई डर नहीं लगा है। एंड वो बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी फीलिंग है, आपको पता नहीं चलता है कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, और बहुत ज़्यादा स्केरी है मैन। सो बात करना बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू हस्बैंड, आपने मुझे हेल्प किया उस टाइम पे। एंड दूसरी चीज़ है कि एक बार क्या हुआ कि जाते जाते आपको नन्ही सी स्टोरी सुना देती हूँ। एक बार हुआ कि हस्बैंड सो रहे थे और मैं रो रही हूँ। कई बार क्या है
कि जब मुझे एंग्जाइटी हो रही है मैं रो रही हूँ. सो मैं कहीं पे छुप के रो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है और मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं मुझे कैसे कैसे इमोशंस फील हो रहे हैं. तो मैं छुप के रो रही हूँ और हेमंत ने मुझे कहीं से देख लिया, वो जब जल्दी से डैडी के पास जाएगा, मम्मी रो रही है, उसको जाओ, उससे बात करो, ये वो करो. पता नहीं उससे ऐसी चीज़ें कहाँ से आती हैं. वो आके मुझे समझाएगा और डैडी को कहेगा कि उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे प्यार करो, उसे हक करो. सो अब डैडी को जल्दी से लेके आता है, ऐसे जैसे कि इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी, अभी 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 जो भी कर रही हो छोड़ दो, आके मम्मी के साथ बात करो. सो ये एक बहुत प्यारी बात है. एक दिन मैं रो रही थी डाउनस्टेयर, हिम्मत का शायद स्कूल नहीं था, वो भी घूम रहा था वहाँ पे, उसने मुझे रोते हुए देख लिया एंड हस्बैंड ऑलरेडी सो चुके थे. उसने मुझे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो. मैंने उसे ऐसे सारी चीज़ें बता दी, अपने सारे सिम्टम्स, जैसे बहुत बड़ा इंसान है, कि मेरी बॉडी में पेन हो रही है, मेरी यहाँ पे पेन हो रही है, यहाँ पे पेन हो रही है, मैं ऐसे रो रही हूँ बच्चों की तरह, और सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरा सर, मुझे माइग्रेन हो रही है, मेरे शोल्डर्स में दर्द है, मैं सो नहीं पा रही हूँ. मैंने ऐसे सारा कुछ उसको एक्सप्लेन किया और उसने मुझे कहा कि यू नो व्हाट, काम डाउन. उसने लाइट बंद कर दी, कह रहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें ना काम करता हूँ. और वो बोल रहा कि ब्रीद इन ब्रीद आउट. एक्चुअली उसके स्कूल में मेडिटेशन करवाते हैं उसको. सो उसने वो सारी मेडिटेशन मेरे ऊपर आजमाई, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो और काम करो, ऐसे फील करो कि तुम यूनिवर्स में हो, स्टार्स हैं, और जैसा भी तुम मांगना चाहती हो भगवान से, उसको मांगो, वो पूरा हो जाएगा, और थैंक यू करो बाबा जी का. वैसे वैसे बोलता रहा मैं, वैसे वैसे कहती गई. एंड मैंने उसे कहा कि यार हिम्मत थैंक यू. मुझे कुछ ही देर में अच्छा फील होना शुरू हो गया, लाइक आऊँ होते हैं, लाइक चुटकी के साथ आपका वो फीलिंग दूर भी हो जाती है कई बार. सो मुझे अच्छा फील होना शुरू हो गया और मैं हंसने लगी और हिम्मत को मैंने हग किया और मैंने कहा कि यार तुमने ये कहाँ से सीखा ये सारा कुछ. मुझे पता है उसे स्कूल से सीखा है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें तो नहीं सीखी होंगी उसने. तो वो मुझे कह रहा कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं बाबा जी के पास रहता था, तो उन्हीं ने मुझे कहा कि अपनी मम्मी को ऐसे करो. सो कई बार पता क्या होता है कि कोई दूर यूनिवर्स वाली ताकत आपको गाइड करना चाहती है, तो हिम्मत वो माध्यम बना मुझे गाइड करने के लिए. और मुझे लगता है कि उसके बाद वैसी एंग्जाइटी मुझे हुई नहीं है. एंड यार चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम ले लेते हैं, और मेंटल हेल्थ का अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर सारा चीज़ें डिज़ास्टर हो जाती हैं. तो यार यही है मेरी एपिसोड नंबर 2. उम्मीद है कि आपको यहाँ से कोई टिप मिली होगी. अगर आपके पास कोई टिप है मेरे लिए तो प्लीज़ उसे कमेंट बार में छोड़ना. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करना. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में, मैं कौन सी सप्लीमेंट्स खा रही हूँ और डाइट में कौन सी मैंने चीज़ें इंक्लूड की हैं एक्स्ट्रा नॉर्मल से. सो यस, मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय, लव यू.